जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हुए टॉपिक, जैसे जिसमें जिसके अंतर्गत आज हम लोग मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उस देश के अंदर हमला ना हो, और वह देश दूसरे पर अगर ज़रूरत पड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज करके तुरंत हमला कर सके, इसके लिए ज़रूरी होता है मिसाइल। मिसाइल को हम लोग हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। मिसाइल मिसाइल खतरनाक नहीं होती है, मिसाइल केवल एक माध्यम है किसी भी आपके विस्फोटक को ले जाने का एक जगह से दूसरे जगह के लिए। इससे ज़्यादा मिसाइल का कोई काम नहीं होता। अगर आपने मिसाइल में भर के एटम बम फेंका है तो उधर जाएगा तो एटम बम मारेगा, अगर उसमें RDX भरा है तो RDX मारेगा, HMX भरा है तो HMX मारेगा। इस वीडियो को हम लोग दो भाग में कवर करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में नंबर्स ऑफ वेराइटी है बहुत ज़्यादा मिसाइलों का, इसलिए हम इसको फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा वीडियो में। तो मिसाइल कार्यक्रम हम लोग समझते हैं। भारत में मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जबकि मिसाइल वुमेन केसी थॉमस को कहा जाता है। अगर आप रॉकेट मैन की बात करेंगे तो के सिवान है, और सुदूर संवेदी सेटेलाइट यानी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, वैसे सेटेलाइट जो दूर से ही जमीन को भांप लेते हैं, उनके जनक की बात करेंगे तो कस्तूरी रंजन, और परमाणु विज्ञान की बात करेंगे तो होमी जहांगीर भाभा का नाम आगे आता है। मिसाइल को हम देखते हैं कई कैटेगरी में मिसाइल को बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिसाइल के बारे में। तो स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल मिसाइलें, कुछ अलग अलग मिसाइलें होती हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल होती है यहाँ पे? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला बात होती है क्रूज मिसाइल की जो रेंज होती है ये कम होती है, ये ज़्यादा रेंज तक हमला नहीं करती हैं सब, अमूमन ये 1000 किलोमीटर से कम ही मार करती हैं सब ये इन मिसाइलों की क्षमता। इन मिसाइलों का रेंज ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी बात देखते हैं ये मिसाइलों की जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर उड़ती हैं, तो इनका हाइट भी बहुत कम ऊंचाई पर होता है, जिस वजह से इन मिसाइलों को हम ट्री मिसाइल कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ की ऊंचाई पर ही उड़ते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं। ये मिसाइलें जो होती हैं इनका सेपरेशन नहीं होता है, कई पार्ट्स में नहीं खुलते हैं, तो इन मिसाइलों का पार्ट्स जो होता है वो अलग नहीं होता है, पार्ट्स एक ही में जुड़े रहते हैं। ये मिसाइलें जो होती हैं टैक्टिकल होती हैं, टैक्टिकल मिसाइलें होती हैं। अब बात आती है टैक्टिकल मिसाइल किसे कहा जाता है। देखिए टैक्टिकल उसे कहा जाता है जो टेम्प्रोरी डैमेज करे, जैसे कहीं हम हैंड ग्रेनेड फेंक दिए या थोड़ा मोड़ा बम लगा किए, RDX से उड़ा दिए, एक्सप्लोसिव से उड़ा दिए, वो हो गया टैक्टिकल लॉस, टैक्टिकल डैमेज। बट कुछ ऐसे डैमेज होते हैं जो परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, जिनको रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप नागासाकी हिरोशिमा में देखिए, वो स्ट्रेटेजिक डैमेज था, अस्थाई डैमेज था, लेकिन ये वाला जो होता है टेक्टिकल डैमेज होता है। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि मेरे बॉर्डर एरिया में या किसी दूसरे कंट्री में हमें घुसना है, वहाँ पे आर्मी का या दुश्मन के बहुत बड़ा फौज है, तो वहाँ हम लोग टेक्टिकली मारेंगे क्रूज मिसाइल को। क्रूज मिसाइल ज़्यादा हाइट पर नहीं जाती है। अब इसमें इसके आगे आता है, इसमें जो इंजन होता है वो जेट इंजन लगा होता है। इंजन भी दो तरह के होते हैं, जेट इंजन और रॉकेट इंजन। हम सब जानते हैं किसी भी इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी फ्यूल नहीं जल सकता है। एकमात्र ऐसा पदार्थ जर्कोनियम है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। अब दुनिया में कोई भी चीज़ उड़ेगी अगर ज़मीन को छोड़ के, तो उसमें दो तरह का इंजन आएगा, पहला इंजन आएगा जेट इंजन, दूसरा इंजन आएगा रॉकेट इंजन। अब जेट इंजन रॉकेट इंजन क्या होता है? जेट इंजन वैसे इंजन को कहते हैं जो बाहर से हवा को ले लेता है, ऑक्सीजन उसमें से छांट लेता है वो। ऐसे इंजन केवल एटमोसफियर में चल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमोसफियर में ही अवेलेबल है। यानी ऐसे जहाज जिनको एटमोसफियर यानी वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में जाना है, उसमें कभी भी जेट इंजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें जब भी प्रयोग किया जाएगा रॉकेट इंजन। तो जेट इंजन बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है और वो वायुमंडल में उड़ता रहता है, तो इसको क्या जरूरत है ये रॉकेट इंजन लेने की? ये तो बहुत ही कम ऊंचाई पर जाता है, इनका एल्टीट्यूड यानी हाइट कम होती है, ट्री की इतनी ऊंचाई पर जाती है, पार्ट्स इसके अलग नहीं होते हैं, इससे टेक्टिकल होती हैं, और ये जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये मिसाइलों को देखेंगे तो ये मिसाइल हो जाएगा, आगे इसके जो ढक्कन लगा होता है उसे वारहेड कहते हैं, और इसके अंदर आपके जो भी पेलोड भरे होते हैं, पेलोड यानी जो हथियार जो बम रखा गया है वो पेलोड होता है। मिसाइल कितना खतरनाक होगा ये डिपेंड करेगा इसके बाहरी ढक्कन वॉरहेड के अंदर कौन सा पेलोड रखा हुआ है। पीछे का मिसाइल केवल उसे पहुंचाने का काम करती है, इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। अब अगला मिसाइल देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसा होता है? चलिए बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें को रेंज जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, इनका रेंज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज़्यादा रेंज तक ये मार कर सकती हैं। अब रेंज ज़्यादा होगा तो जेन्युइन सी बात है हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो रेंज जाएगा, तो इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये पहले स्पेस में चली जाती हैं, अंतरिक्ष में चली जाती हैं ये मिसाइलें। इन मिसाइलों का जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स वो अलग अलग हो जाता है, मिसाइलों का पार्ट्स, कई पार्ट्स में ये मिसाइलें बनाई जाती हैं। ये मिसाइलें बहुत ही खतरनाक होती हैं, स्ट्रेटेजिक होती हैं, इनका खतरनाक
ये जहां भी हमला करेंगे वहां टेम्पोररी नहीं परमानेंट डैमेज कर डालते हैं उस एरिया को, जिस वजह से हम लोग इसका स्ट्रेटेजिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। इस मिसाइलों में अगर बात करें इंजन की, तो इसके अंदर रॉकेट इंजन का यूज होता है। रॉकेट इंजन वह इंजन होता है जो अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर अलग से रखे रहता है, वो अपना फ्यूल भी रखेगा और साथ साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखेगा। इससे क्या होगा, जब वो स्पेस में जाएगा तो स्पेस में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और स्पेस में जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा वो अपना ऑक्सीजन उसी सिलेंडर से ले लेगा जो सिलेंडर उसके पास है। तो ये हो गया रॉकेट इंजन। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इसमें जेट इंजन का यूज होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को छोड़ के नहीं जाते, किंतु जो सेटल स्पेस शटल होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, उसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। ये मिसाइलों के पार्ट्स अलग होते हैं। अब चलिए देखते हैं मिसाइलों के पार्ट्स कैसे होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं, पार्ट वन, ए, बी, सी, डी। यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो मिसाइल होता है, ये केवल पहुँचाने का काम करता है। अब उसके अंदर हथियार भरे होते हैं, ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट करेगा उसे हम पेलोड कहते हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं जिसे हम वारहेड कहते हैं, ताकि जब तक ये वायुमंडल में रहे घर्षण से इस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। अब जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं, ये एटमोसफियर को पार करता है, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देता है, तो इसके आगे का वारहेड ड्रॉप करा दिया जाता है ताकि इसका वजन थोड़ा हल्का हो, और पार्ट ए को भी गिरा दिया जाता है ताकि हल्का हो और ये तेजी से भागे। अब ये क्या करता है, ये अंतरिक्ष में चला जाता है, अंतरिक्ष स्पेस में चला गया, कुछ दूर गया, इसका एक पार्ट बी भी खुल के गिर गया, और आगे जाएगा पार्ट सी भी खुल के गिर जाएगा, अब बच जाएगा पार्ट डी, और इसके आगे मेन बचा हुआ पार्ट जो इसका पेलोड है। अब यहाँ हमारा दुश्मन है। अब ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन यहाँ चूड़ी पहन के बैठा है, दुश्मन के भी अपने रडार हो गए, ये रडार का साइन है, रडार पकड़ लेंगे इन मिसाइलों को, अब वो एंटी मिसाइल से इसको मार देगा। तब क्या किया जाए, इतना मेहनत तो यहाँ आने के बाद बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक डेकॉय का यूज़ किया जाता है। डेकॉय क्या होता है, इसमें से निकलने वाला एक एक फालतू पदार्थ होता है जो रडार को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रडार को लगता है कि यही मेन एक्सप्लोसिव है, यही बम है, जिसके आड़ में हमारा ये वॉरहेड का ये जो पेलोड है ये आराम से गिर सकता है दुश्मन के एरिया पे। इससे दुश्मन को मैक्सिमम लॉसेज होने की संभावना है। लेकिन अगर डेकोय नहीं रहेगा तो दुश्मन के आगे हमारा मिसाइल एकदम ओपन हवा में खुल जाएगा, जिस वजह से दुश्मन उस मिसाइल को मार सकता है। तो ये डेकोय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज़ कैसे है, ये लंबी दूरी तक मार करने के लिए मिसाइलें होती हैं। क्रूज मिसाइल कम दूरी तक मार करना है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है, 200-300 किलोमीटर तक मार करने के लिए। लेकिन अगर लंबी दूरी मार करना है, इम्पॉसिबल है क्रूज मिसाइल से। कैसे, तो देखते हैं। अब जैसे ये पूरा वर्ल्ड है, हमको इस कोई कंट्री यहाँ है उसको यहाँ पर मारना है, तो क्रूज मिसाइल से कैसे मारेगी, यहाँ मारेगी तो क्रूज मिसाइल तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसे परंपरागत मिसाइल कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी मिसाइल परंपरागत मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल है। अब हम मिसाइलों के नाम हम सेकंड दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। अब यहाँ से यहाँ मारना है तो कैसे मारेंगे, इसके लिए आता है हमारे लिए बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ से छोड़ेंगे, सीधे बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में चला जाएगा। अब यहाँ से वो स्पेस में से लौट के अपना टारगेट ढूंढेगा, वो टारगेट कहाँ है, और वापस लौट के यहाँ पर आएगा, और जब एटमोसफियर में इन करेगा तो डेकॉय छोड़ देगा चारों ओर, ताकि दुश्मन कन्फ्यूज कर जाए और दुश्मन को मैक्सिमम लॉस कर देगा। इसलिए जब भी दूर तक मारना है तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल जब भी मार करेगी, दूर तक रेंज की बात करें, इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, मान लिया कि वहां मेरा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का कोई उसका दोस्त कोई देश यहाँ पे है, उसका मित्र राष्ट्र यहाँ पे, कोई उसका सहयोगी देश यहाँ पे है, तो हम लोग रास्ते में भी गिरा सकते हैं क्योंकि हमारा वॉरहेड तो गिर चुका है, यहाँ से भी हम इसको यहाँ पे गिरा सकते हैं, रास्ते में भी हम इसको गिरा सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा हमारे वॉरहेड के अंदर पेलोड रखा है बैलिस्टिक मिसाइल के रास्ते माध्यम से, हम रास्ते में भी उसे ड्रॉप करते हुए जा सकते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल में 10 पेलोड लोड कर सकते हैं, यानी हम रास्ते में टोटल 10 जगहों को डिस्ट्रॉय करते हुए जा सकते हैं। इससे एक और फायदा होता है, जब ये अंतरिक्ष में जाता है तो ये बैलिस्टिक मिसाइलों का जो धुआं होता है वो बादल से छुप जाता है, इसलिए इनको सैटेलाइट से भी ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, और इनका रेंज बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज स्पीड से जाते हैं, ये हाइपरसोनिक होते हैं न कि सुपरसोनिक। अब इस हिसाब से मिसाइलों को फिर दो तरह से बांटेंगे, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा खतरनाक होती है या क्रूज मिसाइल। देखिए
हमारे हिसाब से अगर बात करेंगे तो ज्यादा जरूरत जो होती है वो क्रूज मिसाइल की होती है, क्योंकि ज्यादातर पड़ोस में ही युद्ध होते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल, अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती हैं, तो छोटी मिसाइलें ज्यादा खतरनाक होती है। ये कम हाइट से जाती हैं इसलिए इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्रूज मिसाइल ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, न कि बैलिस्टिक मिसाइल। इसलिए देखेंगे भारत ने भी अपना अग्नि मिसाइल बना दिया है, लेकिन ज्यादा डेवलपमेंट वो क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस पर वो वर्क करता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं, सुपरसोनिक क्या होता है और हाइपरसोनिक क्या होता है। सबसे पहला चीज होता है मेक नंबर। मेक सर, देखिए मेक नंबर क्या होता है, मेक नंबर से हम वायुयान या मिसाइलों की चाल नापते हैं। ये मेक संख्या क्या बताता है कि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितनी ज्यादा है। मान लिया कि ध्वनि की चाल से 2 गुनी है, तो यहां लिखेंगे 2 गुणे ध्वनि की चाल, अब बटा ध्वनि की चाल है, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी अगर किसी मिसाइल की रफ्तार 2 मेक है, यानी वह ध्वनि की चाल से 2 गुनी तेज है। 5 मेक है मतलब 5 गुनी तेज है, 10 मेक है मतलब 10 गुनी तेज है। अब हमको पता होना चाहिए ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड हम लोग इसको मानते हैं। आप लोग इसको पढ़े होंगे, लाप्लास ने इसको दिया था। चलिए अब हम समझते हैं, तो इस हिसाब से हम मिसाइलों को कितनी भाग में बांट देते हैं। देखिए मेक नंबर के आधार पर हम मिसाइलों को 3 भाग में बांटते हैं। अगर वो मिसाइल सबसोनिक है, या तो सुपरसोनिक होगी या तो हाइपरसोनिक होगी। सबसोनिक मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है, यानी वो 1 मेक से कम होती है, वो बहुत धीमी गति से जाती है। अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्या होता है, जैसे नक्सली क्षेत्र हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया, आतंकवादी एरिया होगा, जहां पर टारगेट छुपा होता है, तो मिसाइल अगर धीमी गति से जाता है तो उस मिसाइल में आगे कैमरे लगे होते हैं या रडार लगे होते हैं, हम उस मिसाइल को रास्ते में आराम से मोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत तेज गति से चला गया तो देखने के बाद भी नहीं मोड़ सकते, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हम लोग के लिए बेस्ट मिसाइल है। अब होती है सुपरसोनिक मिसाइल, जहां तबा तोड़ हमला करना है, वहां सुपरसोनिक की तो इसकी चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, यानी इसका मेक नंबर अगर बात करेंगे तो 1 से ज्यादा होता है। जैसे हम लोग का सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे तो सबसे फेमस सुपरसोनिक मिसाइल हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है। इन मिसाइलों के नाम पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आता है हाइपरसोनिक मिसाइल, इनकी रफ्तार तो पूछो नहीं, ध्वनि की चाल से 5 गुना तेज से भी ज्यादा, 5 गुना चाल से भी ज्यादा ये चलती हैं, इसलिए इनका मेक नंबर 5 से ज्यादा होता है। जैसे हमारी अग्नि मिसाइल, दुनिया की जितनी भी क्रूज मिसाइल है, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो सब की सब हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। अभी हमारी इंडिया गवर्नमेंट और रशिया गवर्नमेंट के बीच एक डील हो रहा है, जिसके तहत हम लोग ब्रह्मोस 2 मिसाइल को बनाने के में काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। अभी जो वर्जन चल रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो बेसिकली क्रूज वर्जन चल रहा है, तो सबसे खतरनाक स्पीड होती है हाइपरसोनिक की। लेकिन ये जो होती है सबसोनिक मिसाइलें, ये ध्वनि की चाल से कम चलती हैं। अब देखिए मिसाइलों को फिर कई कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में यहाँ हम बांटते हैं, गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल। वैसी मिसाइल जिसे छोड़ने के बाद हम उसकी रास्ते को बदल सकते हैं, उन्हें हम गाइडेड मिसाइल कहते हैं। अब रास्ता कैसे बदल सकता है, जीपीएस सिस्टम द्वारा बदल सकता है, कैमरा लगा सकते हैं आगे, इंफ्रारेड लगा सकते हैं, उस हिसाब से हम इसके रास्ते को बदल सकते हैं, या फिर लेजर लाइट के थ्रू हम उसको लेजर किरणों के द्वारा उस मिसाइल को रास्ते को बदल सकते हैं। इसका यूज कब किया जाता है, जब मूविंग टारगेट रहता है, जैसे उड़ते जहाज को मार के गिराना है। जैसे हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन जी ने पाकिस्तान के F-16 जहाज को मारा था, तो उसके लिए हमें गाइडेड मिसाइल चाहिए कि अगर टारगेट रास्ता बदले तो वो भी रास्ता बदल देता है, वो गाइडेड मिसाइल होती है। अगर लेजर के थ्रू बदला तो लेजर गाइडेड मिसाइल कहते हैं, नहीं तो जनरली उसे गाइडेड मिसाइल कहते हैं। गाइडेड मिसाइल के साइड साइड में पंख निकले होते हैं, विंग्स होते हैं, जिस वजह से वो अपना रास्ता बदल सकता है। अगर विंग्स नहीं रहेंगी तो वो गाइडेड मिसाइल नहीं है, इस रास्ते आप देख के भी पहचान सकते हैं। अभी हम आपको 2 इमेज देंगे, आपको फर्क पता करना है गाइडेड कौन सा है और अनगाइडेड कौन सा है, क्योंकि जिसमें विंग्स लगी रहेंगी वो गाइडेड है, विंग्स नहीं लगी रहेंगी अनगाइडेड मिसाइल है। अब देखिए अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है, वैसी मिसाइल जिसको एक बार आपने छोड़ दिया फिर अब वो गाइड नहीं हो सकती, अपना रास्ता नहीं बदल सकती है। इसको कब मारते हैं, जब कोई रुका हुआ टारगेट है, जैसे दुश्मन का बंकर है, कोई बड़ा शहर है, या कोई ऐसा टारगेट जो मूव नहीं कर रहा है, उसको मारने के लिए हम अनगाइडेड मिसाइल का यूज करते हैं। अनगाइडेड मिसाइल सिंपल सी होती है, ये मतलब उसमें विंग्स नहीं लगे होते हैं, जिस वजह से डायरेक्शन न बदल सके, इसलिए हम इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अक्सर नाग मिसाइल, नाग मिसाइल दागो और भूल जाओ, इस क्यों, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं चेंज कर सकते, यानी आपने एक बार मार दिया तो फिर अब भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, अब वो रास्ता ही नहीं बदल सकता, आप क्या करिएगा आप उसको सोच के बारे में, अब वो मारेगा ही मारेगा। इस हिसाब से हमने 2 मिसाइलों को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ मिसाइलों के बारे में पढ़ा, अभी बहुत सारी मिसाइलें बची हैं, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू अंडर वाटर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, वाटर टू वाटर मिसाइल, वाटर टू सरफेस मिसाइल, कई टाइप की मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल, हेलिना मिसाइल, पृथ्वी अग्नि
ये सारी मिसाइलों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपका मिसाइल के बारे में जानकारी पूरी हो सके और आप ये जान सके कि भारत का डीआरडीओ चुपचाप नहीं बैठा है, हम अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।